ये आज तुम क्यों आ गई हो मेरे घर पढ़ाई करने के लिए? दिलावर से कहीं और बात करना मुमकिन नहीं थी ना। देखो तुम्हारी अम्मी ना मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती और मेरे माँ बाप को मुझ पर बहुत भरोसा है। जब मेरे पेरेंट्स को मेरी खुशी की परवाह नहीं तो मैं क्यों उनका सोचूं? आहिस्ता बोलो, मेरी सुन लिया तो? तुम देखना मैं अपनी मोहब्बत को पा कर रहूंगी। बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की नहीं है ना, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं। बढ़िया ही मोहब्बत की मलका तुम। दिलावर से बहुत मोहब्बत करती हूँ अनम। तुम्हें पता है दिलावर के घर वाले इज्जत से रिश्ता लेकर आए थे पर पापा ने मना कर दिया ये कहकर कि हम गैर खानदान में शादी नहीं करते। हाँ तो उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वही किया ना, पर वो मेरी मोहब्बत क्यों नहीं देखते? तुम उसको छोड़ दो ठीक है। तुम नहीं समझोगी, जब एक लड़की किसी को अपना दिल दे देती है फिर वो मरते दम तक उसके दिल से नहीं निकलता। काश तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए फिर तुम्हें एहसास हो मेरी फीलिंग्स का। नामुमकिन, मैं किसी ऐरे गैरे से मोहब्बत करने वाली नहीं, मैं तो किसी स्टैंडर्ड वाले लड़के से मोहब्बत करूंगी। हेलो दिलावर। हाँ मैं यहाँ अनम के घर आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। वही अनम मेरी यूनिवर्सिटी का। उसको मेरा नाम क्यों बता रही हो? मुझे फंसवाना है क्या? अनम देखो प्लीज तुम मेरी मदद करो, सिर्फ सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे मेरे दिलावर से मिला सकती है। पढ़ाई हो रही है? जी खाला बस पढ़ रहे थे। माशाल्लाह अनम तुमने इसके लिए चाय नहीं बनाई? जी खाला वो चाय की बहुत तलब हो रही थी। आओ फिर चाय बना दो उसके लिए। चाय बना दो, पकड़ो इसे।